तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिक्स दाल की इडली और अप्पे। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। बहुत कम ऑयल में मैंने इसे बनाया है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए मैंने कुछ मिक्स दालें ली है। जैसे मैंने ली है आधी कटोरी चना दाल, आधी कटोरी मैंने साबुत मूंग दाल ली है, आधी कटोरी उलट दाल ली है, आधी कटोरी मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है, एक कटोरी चावल लिया है, आधी कटोरी मैंने धुली हुई मूंग दाल ली है और आधी कटोरी तुअर दाल ली है। इन सब दालों को हमको बाउल में मिक्स कर लेना है। सारी दालें मैंने आधी आधी कटोरी ली है, सिर्फ एक कटोरी मैंने चावल लिया है। इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। चावल भी इसमें डाल देना है। ये येलो वाली मूंग दाल धुली हुई, इसे के हम इसमें मिला लेंगे और ये साबुत मूंग दाल भी इसमें मिलाना है और ये तुअर दाल भी मिला लेंगे। इन सारी दालों को हम अच्छे से धो लेंगे। दालों को मैंने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो देंगे। 4-5 घंटे बाद देखेंगे हमारी दाल अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। दाल को हमने मिक्सर में पीस लिया है, अब हमें इसे फिर से 4-5 घंटे के लिए ढक कर रखना है। 5 घंटे बाद देखेंगे हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इस दाल के अप्पे भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं और चीले भी बना सकते हैं। आज हम इडली और अप्पे बनाएंगे। इडली का बैटर मैंने अलग रख दिया है और अप्पे का बैटर अलग कर दिया है। इडली के बैटर में मैं कुछ सब्जियां मिला लूँगी। जैसे मैं मिला दूँगी इसमें शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटी हुई गाजर मिला दूँगी, ये थोड़ा हरा धनिया मैं इसमें मिला दूँगी। सब्जियां आप अपने हिसाब से अपने पसंद से मिला सकते हैं और इसमें स्वादानुसार नमक भी हम डाल देंगे और थोड़ा हल्दी पाउडर भी हमें इसमें मिलाना है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला के हमारा इडली का बैटर तैयार हो जाएगा। अब हम अप्पे के बैटर में भी कुछ चीज़ें मिला लेंगे, थोड़ी सब्ज़ी, शिमला मिर्च, थोड़ा गाजर बारीक कटा हुआ, ये थोड़ा प्याज भी मिला देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया भी हमें इसमें मिलाना है। इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अप्पे के बैटर में मैंने प्याज मिलाया है, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है अप्पे का। अप्पे का पॉट मैंने गैस पर रख दिया है, इसे हमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से ग्रीस कर लेना है। बैटर में मैंने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं मिलाया है। हमारा दाल का बैटर अच्छे से फूल चुका था, इसलिए अप्पे अपने आप में अच्छे से फूल जाएंगे। आधे आधे चम्मच के करीब हम इसमें पॉट में डाल देंगे इस बैटर को और करीब 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट बाद हमें इसे पलटना है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे इसमें और धीरे धीरे करके हमें इसे स्पून की सहायता से पलट देना है। देखिए, दोनों तरफ से हमारे अप्पे अच्छे से सीख चुके हैं। मिक्स दाल के अप्पे हैं हमारे ये। बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये मिक्स दाल के अप्पे बन के तैयार है। अब हम इडली के बैटर को देखेंगे। इडली के सांचे को हमें ग्रीस करना है। अब हम मिश्रण को इडली के पॉट में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें भी मैंने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डाला है। इडली का पॉट मैंने गैस पे रख दिया है और एक एक करके हमें इडलियाँ इसमें रख देनी है और इसे कवर कर देंगे। 15 से 20 मिनट तक हमें इसे स्टीम करना है मीडियम फ्लेम पे। पंद्रह बीस मिनट बाद हम इसे देखेंगे, इसे चेक कर लेंगे। देखिए, नाइफ से मैं इसे चेक कर रही हूँ, नाइफ आसानी से निकल रहा है, मतलब हमारी इडली तैयार है।
अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे। इडली हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है। हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छी डिश लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे इडली मिक्स दाल इडली बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्स दाल इडली और अप्पे बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।